इस बीच भारतीय किसान यूनियन उग्रहण का बड़ा फैसला सामने आया। आज रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान कर दिया गया है। पुलिस कार्रवाई से प्रदर्शनकारी किसान नाराज नजर आ रहे हैं। 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान यहां पर किसानों के द्वारा कर दिया गया है। तो देखिए, पूरी तरीके से यहां पर किसानों ने तैयारी कर ली है। किसान मानने को तैयार नहीं है। भारत बंद का ऐलान कल कर दिया, यानी 16 फरवरी को, 15 फरवरी यानी कि आज को पंजाब में रेलवे ट्रैक्स को जाम करने का ऐलान है। और इस बीच CBSE ने छात्रों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी, गाइडलाइंस जारी की गई है। प्रदर्शन के चलते जल्दी निकलने की सलाह CBSE बोर्ड के द्वारा दी गई है। मेट्रो से परीक्षा केंद्रों पर जाने की सलाह दी जा रही है। आज से शुरू हो रही है CBSE की परीक्षाएं। और देखिए, बोर्ड के एग्जामिनेशन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे में कोई भी परेशानी स्टूडेंट्स को ना हो, इसलिए पहले से ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। क्योंकि जो रोड्स हैं वो पूरी तरीके से इंपैक्टेड हैं, जो ट्रैफिक है, वो यातायात है, वो पूरी तरीके से प्रभावित है। और इसी कारणवश लोगों को, स्टूडेंट्स को, अभिभावकों को पहुंचने में स्कूलों तक देरी हो सकती है। और इसी कारणवश एडवाइजरी जारी की गई है कि सभी छात्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे और मेट्रो की सहायता ले सकते हैं। और अगर आप बाय रोड भी आ रहे हैं तो समय निकाल कर आइए, पहले निकलिए। ऐसी तमाम जो गाइडलाइंस है वो दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ में देखिए, गाजीपुर बॉर्डर से सुरेश झा हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता सुरेश। लगातार खबरें सामने आ रही हैं, तीसरा दिन हो गया है, किसान मानने को तैयार नहीं है, आज भी तीसरे दौर की वार्ता रखी गई है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर आप मौजूद हैं, वहां पर अभी मौजूदा वक्त में हालात क्या कुछ है? देखिए साक्षी, जैसा कि आज तीसरे दौर की बातचीत होगी, तीन केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे चंडीगढ़, जहां पर जो आंदोलनकारी किसान उनसे बातचीत की जाएगी। उस बातचीत का क्या नतीजा निकल के आएगा वो तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भाई, अभी आपने बात पूछी गाजीपुर की, तो गाजीपुर भी हम आपको हालात दिखाएंगे कि यहाँ पर हालात बिल्कुल समान है। जिस तरीके से पहले दिन जिस तरह यहाँ पर जो कोहराम सा मचा था यहाँ पर, लेकिन आज देखिए आपकी बिल्कुल सब कुछ समान है। खासकर हम यहाँ पर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक बिल्कुल खुला हुआ। आप देखिए, ये पहले दिन की बात है, जिस दिन 14 फरवरी को जब यहाँ पर सारा जो कुछ हुआ था 13 फरवरी को, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि ट्रैफिक कितना बुरा हाल था। लेकिन 13 और 14 फरवरी के बाद आप देख सकते हैं, 13 फरवरी के बाद यहाँ पर हालात बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं और यहाँ पर अब ट्रैफिक बिल्कुल खुला हुआ है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो अब सुरक्षा का भी आपको दिखाएंगे नज़ारा कि सुरक्षा के हालांकि इंतजाम पुलिस ने पुख्ता कर रखे हैं, क्योंकि अभी भी आंदोलनकारी किसान जो है अड़े हुए हैं दिल्ली आने की ओर। वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के काफ़ी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। ये गाजीपुर का बॉर्डर है और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से, किस लेयर की सुरक्षा यहाँ पर लगा रखी है। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सुरक्षा बंदोबस्त के बीच आम लोगों को जो सबसे बड़ी राहत मिली है वो मिली है ट्रैफिक से। जी ठीक है सुरेश, फिलहाल तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। इस बीच मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किसी तरीके का डायवर्जन भी किया गया है गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के इलाकों में, क्योंकि आप जिस रोड पर मौजूद हैं वो साइड लेन है और साइड लेन पर मैं देख पा रही हूं कि आगे बैरिकेडिंग्स भी लगाई हुई हैं। जी बिल्कुल, यहां से थोड़ा डायवर्जन कर रखा, मैं आपको दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन कहूंगा कि आपको दिखाएं। ये जो रास्ता है सीधा जाता है कौशाम्बी की ओर, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलनकारी किसानों ने जो इसको टारगेट किया था 2020-21 में, उसको देखते रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है, क्योंकि लोग यहां से सीधे नहीं जा सकते हैं। ये दूसरा रास्ता भी दिखाऊंगा आपको मैं, ये दूसरा रास्ता आने के लिए, जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये रास्ता जाता है गाजीपुर जो मुर्गा मंडी है, मंडी की तरफ ये रास्ता जाता है, लेकिन इस रास्ते को बंद कर रखा है। इस रास्ते को आने जाने वालों के लिए पूरी तरह से बंद रखा है। अब ये जो लोग जा रहे हैं ये घूम के जा रहे हैं। अब देखिए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो आपको दिखाएं, ये रास्ता पूरा घूम के जा रखा है, उसके ट्रैफिक के खास इंतजाम किए हुए हैं, लोगों को परेशानी ना हो इसके ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात हैं। देखिए आप यहाँ पे, ये लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। लेकिन ये जो फ्लाईओवर है, मैं आपको दिखाऊंगा नीचे से, ये फ्लाईओवर जो है पूरी तरीके से खुला हुआ है, ये 3 लेयर के फ्लाईओवर है और यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं है। लोग बेरोक टोक आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा मतलब तीसरे दिन काफी हद तक गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति सुधरी है। 13 तारीख की अगर हम बात करें तो जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिस तरीके से ट्रैफिक और प्रोटेस्ट देखने को मिल रही थी, वैसी स्थिति 3 दिन में सुधार कर लिया गया नहीं है। इस बीच अगर डिप्लॉयमेंट की बात की जाए तो पुलिस पर्सनल की डिप्लॉयमेंट और जो फोर्सेज लगाई गई है उसकी डिप्लॉयमेंट किस तरीके से की गई है सुरेश? जी बिल्कुल, मैं डिप्लॉयमेंट की बात भी आपको बताऊंगा कि सबसे पहली बात है कि आज बच्चों के बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसको देखते हुए सुरक्षा के और पुलिस के ट्रैफिक के खास इंतजाम किए गए हैं। CBSE ने हालांकि पहले ही एडवाइजरी जारी की थी, सबको कहा था कि 10 बजे से पहले आप जो है अपने सेंटर पर पहुंच जाएं, और पुलिस ने भी इसके इंतजाम किए ताकि छात्रों को, उनके अभिभावकों को अपने बच्चों को छोड़ने में कोई भी परेशानी ना हो।
इसके इंजाम किया जा रहा है। अब अपने डिप्लोमेट की मैं बताता हूँ कि डिप्लोमेट जो है दिल्ली पुलिस का बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से 13 फरवरी को था। पूरी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस की फोर्स के जवान तैनात हैं हर नाके पे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाहे नई दिल्ली की बात करें, कहीं की बात करें, वहाँ पर भी सुरक्षा के इंतजाम है। अगर किसान किसी भी तरीके से एंट्री करते हैं तो उनको रोकने के लिए बाहरी तौर के साथ साथ अंदरूनी हिस्से में भी दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए हुए। मैं आपको दिखाऊंगा पैरामिलिट्री फोर्स जवान जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस को आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी उनकी जो है लापरवाही से किसान किसी तरीके से दिल्ली में एंट्री कर जाए तो उन किसानों यानी आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने अभी भी अपने स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं। चाहे हालात सामान्य हो जाए, ट्रैफिक सामान्य हो जाए, लेकिन पुलिस सुरक्षा में कोई चूक नहीं चाहती है जिसकी वजह से दिल्ली का माहौल खराब हो और किसान एक बार फिर से आके बॉर्डर पर बैठ जाए धरने पर, तो उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने स्तर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। जी ठीक है सुरेश, इस बीच क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्जाम्स भी शुरू हो गए हैं, स्टूडेंट से भी अपील की जा रही है कि आप जो समय है वो लेकर चलिए। इस बीच आपके पास क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? जी एग्जाम की बात करें तो जैसा हमने बताया कि पहले ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है छात्रों को, उनके अभिभावकों को। इसके साथ ही पुलिस जो खासकर जहाँ जहाँ बच्चों के सेंटर पड़े हैं वहाँ पर सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक के इंतजाम किए गए हैं। अगर बच्चे और अभिभावक आते हैं उनको किसी तरह की खलल ना पड़े उसके लिए पूरे इंतजाम हैं, पूरी तरीके से पुलिस सतर्कता बरत रही है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और बच्चों के भविष्य के सवाल के सह कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही बता दूं मैं आपको कि जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं जिनके जरिए आंदोलनकारी किसानों उपद्रवी लोगों पर निगाह रखी जाए। मैं कहूंगा अपने कैमरा ड्रोन के सहारे से भी सुरेश यहां पर जानकारी मिली थी और वो ड्रोन्स की तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक्टिव मोड में पुलिस और प्रशासन नजर आ रहा है। सुरेश उस बीच में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आज सुबह तक जो हम रिपोर्ट्स दिखा रहे थे कल तक की भी अगर हम बात करें तो किसान डेरा डाले हुए नजर आ रहे थे, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर या फिर दूसरे अन्य इलाके हों। इस बीच ये किसान किस जगह पर डेरा डाले हुए, क्या वो रोड से दूर इलाका है या क्या कुछ जानकारी? देखिए दिल्ली की जो सभी सीमाएं हैं वहां तक किसान नहीं पहुंच पाए। शंभू बॉर्डर है जो हरियाणा से लगा हुआ है वहां तक किसान पहुंचे थे लेकिन वहां से किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। मैं आपको थोड़ा भी जानकारी देना चाहता हूं अपने दर्शकों को जो हमारे भारत 24 के दर्शक हैं। जब किसान आंदोलन की घोषणा की गई थी तभी तमाम जो राज्य की पुलिस है, दिल्ली पुलिस, उनके साथ एक संबंध में बैठक की थी जिसमें कहा गया था कि आंदोलनकारी किसान अगर आते हैं तो उनको रोकना चाहिए। जो जिस जहां से आ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा से आ रहे हैं, चाहे पंजाब से आ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कहीं पर भी किसान कहीं से भी आ रहे हैं उनको दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। खासकर गृह मंत्रालय पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है क्योंकि उनकी यही मंशा है कि किसान जो है दिल्ली में आके माहौल खराब कर सकते। इसके साथ साथ जो खालिस्तानी जो है, खालिस्तानी आतंकवादी जो हैं वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। आपको याद होगा कि गुरपतपंत सिंह पन्नू ने लिहाजा एक वीडियो और ऑडियो जारी किया था जिसमें उसने कहा था खालिस्तानी किसान आतंकवादियों से कि आप लोग सक्रिय हो जाए, तो उन सबको देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। और सुरेश बड़ी बात यह कि पिछली बार की अगर हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं तो उस वक्त भी यहाँ पर खालिस्तान से लिंक कई सारे सामने आए थे। इस बीच आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है चंडीगढ़ में 5 बजे, क्या कुछ नतीजे नजर आ रहे हैं निकलते हुए या फिर से एक बार जो वार्ता होगी वो विफल होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि किसान अपनी प्रोटेस्ट के ऊपर अडिग है, उनके द्वारा यही कहा जा रहा है या तो हमें दिल्ली कूच करने दिया जाए या फिर हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए। बीच का रास्ता अपनाने के लिए किसान फिलहाल नजर नहीं आ रहे जिस तरीके से वार्ता हुई अब तक। साक्षी देखिए दो बार की बातचीत हो चुकी है। कृषि मंत्री ने साफ कह दिया था कि हम आपकी जो मांगे हैं उस पर विचार कर रहे हैं, इस पर कानून बनाना है, लेकिन कानून बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। लेकिन किसान जो है मानने को तैयार नहीं, किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि हमारे MSP पे कानून की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की बात करें, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि आप धैर्य रखें, हमें किसानों की जो मांगे हैं उसकी तरफ पूरा ध्यान है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। किसान आज तीसरे दौर की बात होगी, 3 केंद्रीय मंत्री जाएंगे चंडीगढ़, वहां पर आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करेंगे, उस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि आंदोलनकारी किसानों को इस तरह से मनाया जाए और इस मुद्दे को फिलहाल चुनाव तक टाला जाए।
अब देखते हैं किसान इस पूरे मामले के लिए तीन केंद्रीय मंत्री जाते हैं तो उनकी बात का उन पर कितना असर पड़ता है। जी ठीक है सुरेश, जानकारी आपने दी। गाजीपुर बॉर्डर पर आप मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल लगातार हमारी नजरें बनी हुई है पूरे मुद्दे के ऊपर। किसानों के द्वारा दोबारा से प्रोटेस्ट की जा रही है, 3 दिन हो गए प्रोटेस्ट लगातार जारी है। उस बीच आज तीसरे दौर की वार्ता है शाम 5 बजे चंडीगढ़ में। क्या कुछ होगा पल पल की अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचाता है।